every parents looks forward to the day when their child learns to write their first name, last name and address, etc. It's an exciting time when the child is begin to read and write. We begin teaching children to write with pre-writing strokes. Hello friends, welcome back to my channel again. And those who are coming for the first time, just go through my all videos. These channel is all about for the kids activities. And if you like these videos, so give a thumbs up, share, and don't forget to subscribe. And definitely hit the bell icon so that you will not miss the latest videos. So stay tuned. And thank you so much for giving me likes, so many likes. Today's video is all about pre-writing activities for the kids. So in this video, I'm going to discuss about what are the four P's of handwriting instructions and how can you teach 2-year-old kid to write, and pre-writing activities. What are the activities that we can perform? What are the basic strokes we use in pre-writing? Play-Doh activity. Number 2 is lacing, draw on boxes, scoop and pour, ball throwing game, threading and lacing, hiding objects in Play-Doh activity, and squeezing ball and bags. So these are the activities that we can play, we can do with the child. हाइड करने के लिए आप डिफरेंट ग्रेन्स ले सकते हैं, बट एक चीज़ ध्यान रखिए कि बच्चा वो मुँह में नहीं डाले. और अगर आपको लगता है कि एक ग्रेन्स बच्चा बहुत इजीली ढूंढ ले रहा है, तो आप उसमें 2-3 ग्रेन्स आप ऐड कर सकते हैं और उसको बोलिए वो ढूंढने के लिए. यहाँ पे भी बच्चों को हम पहले इजी वाला देंगे और वो इजीली कर ले तो हम उसको क्रॉस वाला सिखाएंगे. इनिशियली हो सकता है बच्चा ये ना कर पाए, तो आपको पहले बच्चों को हेल्प करना है और उसके बाद एक दो बार करने के बाद आप उसको खुद से इनिशिएट करने दीजिए. जब बच्चा लेसिंग कर ले तो आपको ये भी ध्यान रखना है, लेस को वापस खोलने के लिए भी वो उन्हीं को ही बताना है आपको, और इसके लिए भी बहुत प्लानिंग चाहिए होता है बच्चों को, तो प्लीज़ ये भी आप उन्हीं से करवाइए. इस एक्टिविटी के लिए आपको सेलो टेप चाहिए, और सेलो टेप को छोटे छोटे पीसेस करके आप अपने हैंड पे लगाएंगे और बच्चे को बोलना है कि वो निकाल के किसी दूसरे सरफेस पे उसको वापस लगाए. तो यहाँ पे आपको जब इजी लगेगा कि बच्चे बहुत इजीली ये कर पा रहे हैं, तो आपको फिर वो सरफेस चेंज कर देना है. इनिशियली ये एक्टिविटी जब आप करेंगे तो बहुत वे में करवाना है, तो सेलो टेप जब आप चिपकाएंगे अपने हाथ में तो थोड़ा सा उसका जो कॉर्नर है वो आप उठा के रखेंगे ताकि बच्चे ईजिली वो निकाल पाए. Thank you.
ये बहुत ही एक ईजी एंड सिंपल एक्टिविटी है, और इस एक्टिविटी के लिए आपको एक पेन, पेपर, ईयरबड एंड वाटर कलर चाहिए, और आपको कोई भी अल्फ़ाबेट आपको ड्रॉ करके देना है बच्चे को। और अगर आप उसको बताते हैं डायरेक्शन कि इसी डायरेक्शन में आपको डॉट डॉट बनाते हुए आगे जाना है, बट अगर आपके बच्चा नहीं कर पा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसे छोटे छोटे सर्कल बना के दे सकते हैं और बोलिए सर्कल में ही वो डॉट को करे। Thank you.
can we teach our 2-year-old kid to write? मटेरियल जब हम बच्चे को प्रिंटेड मटेरियल को एक्सपोज करते हैं, उनके सामने रखते हैं, तो उनको ये पता चलता है कि ये कुछ अल्फाबेट्स हैं, इनको इस तरह से लिखा जाता है, ये प्रिंटेड है, इसी को ही हमें कॉपी और इमिटेट करना होता है। जब आप एक्सपोज करते हैं बच्चों को प्रिंटेड मटेरियल, तो बच्चों को वो शेप्स पता चलते हैं, वो स्ट्रोक्स पता चलते हैं, ये लेटर को वो कैसे फॉर्म करते हैं, लेटर फॉर्मेशन होती क्या है, किस तरह से वो लेटर बना है, हर एक लेटर का अलग तरह का फॉर्म होता है। तो वो बच्चे को जब आप प्रिंट मटेरियल एक्सपोज करते हैं तब बच्चों को वो पता चलता है। प्ले विथ मैनिपुलेटिव, प्ले विथ मैनिपुलेटिव मीन्स जब बच्चा कुछ खेल रहा है तो उनको इस तरह से इंगेज कीजिए, उनकी एनर्जी को इस तरह से चैनलाइज कीजिए ताकि वो प्री राइटिंग स्किल के लिए तैयार हो जाए। बच्चा खेल रहा है, उनको खेलने दीजिए, बट आपको क्या करना है, स्मार्टली खेलना है। जैसे मैंने आपको बताया कि हाइडिंग कॉइन इन प्ले डो, अब उसमें क्या करना है, आपको अपने डो लिया, बच्चों को आप दे देंगे, डो से तो बच्चों को वैसे भी बहुत पसंद है खेलना, तो आप क्या कर सकते हैं, डो के अंदर एक छोटा कॉइन ले लिया या बीड्स ले लिया या कोई पसंदीदा चीज़ है बच्चे की, आपने वो लिया और उसके अंदर हाइड कर दिया और बच्चे को बोलिए प्लीज़ इसको ढूंढ के दिखाइए। तो बच्चा जब वो खोलेगा, उसको ढूंढेगा उस डो में से, तो उसमें बहुत फाइन मोटर का यूज़ होता है, इन पे पिंसर ग्रिप का यूज़ होता है, तो कहीं ना कहीं वो प्री राइटिंग के लिए बच्चों को हेल्प करता है। तो इसी तरह से मैनिपुलेट करना है बच्चों को, एक्सपोजर टू राइटिंग टूल। एक्सपोजर टू राइटिंग टूल्स मीन्स उनको बताना है कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए जब हम राइटिंग करते हैं, हमें पेन की ज़रूरत है, हमें क्रेयॉन्स की ज़रूरत है, हमें पेपर की ज़रूरत है, हमें बोर्ड्स की ज़रूरत है, हमें नोटबुक्स की ज़रूरत है, हम कहाँ कहाँ चीज़ें लिख सकते हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम उसको यूज़ कर सकते। फॉलो योर चाइल्ड इंटरेस्ट, मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है। कुछ बच्चे थोड़ा लेट भी लिखते हैं तो हमें फोर्स नहीं करना है अपने बच्चों को लिखने के लिए कि आप ये एक्टिविटी करो ही, और फोर्स कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चों को ग्रॉस मोटर स्किल्स की एक्टिविटीज़ ज़्यादा पसंद आती हैं, फाइन मोटर कम है, तो हमें ज़्यादा फोर्स नहीं करना है। जितना बच्चा इंटरेस्टली कर सकता है थोड़ा आप एक्सपोजर दीजिए, थोड़ा बच्चे से करवा लीजिए, बट ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना है। तो बच्चे का इंटरेस्ट का भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए 9 स्ट्रोक्स हैं जो हम बच्चों को सिखाते हैं। सबसे पहले आपका वर्टिकल लाइन आएगा, हॉरिजेंटल लाइन, सर्कुलर, क्रॉस शेप, स्क्वायर बनाना, स्क्वायर अगेन, डायगोनल लेफ्ट, डायगोनल राइट, जिसको हम स्लैंटिंग लाइन बोलते हैं, तो डायगोनल लेफ्ट, डायगोनल एक्स शेप, ट्राइंगल। वेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रोक्स, योर चाइल्ड टू बी इमिटेट द स्ट्रोक, देन यू हैव टू राइट द लाइन एंड शेप, टू सी द लाइन और शेप एंड कॉपी इट। दीज आर वेराइटी ऑफ लाइन्स एंड फिगर्स दैट विल लेटर बी यूज टू कंस्ट्रक्ट लेटर एंड वर्ड। एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।